हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 10+2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जी हाँ दोस्तों, उसका जो है आज आंसर के रिलीज़ कर दिया गया, साथ ही क्वेश्चन पेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा का पूरा आंसर के जो है एक दो स्टूडेंट्स का पूरा डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है अपना आंसर के देखना है, कैसे आपका आंसर कहाँ पे है, उनका करेक्ट आंसर कैसे है, ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है, साथ ही सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 जो है जो दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो है आंसर जो है करेक्ट आंसर जो इनका है जी हाँ दोस्तों, जो ये आंसर है वो करेक्ट आंसर है, और आपका जो आंसर है वो यहाँ पे बॉक्स में चेक बॉक्स देख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन आईडी है और ये स्टेटस आंसर है, आपने आंसर दिया है और चूजन ऑप्शन आपका 1 है और यहाँ पे ये 2 है, यानी कि आपका क्वेश्चन ये हो गया गलत। जी हाँ दोस्तों, और जब आपको ऑब्जेक्शन करना होगा दोस्तों, तो आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए ये क्वेश्चन आईडी यूज़ करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप ऑफिशियली लॉगिन करेंगे, जैसे ये पेज ओपन होगा वहाँ पे दो देखिए यहाँ पे साइड में ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्शन बॉक्स है और यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा आंसर की। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये फाइल जो मैंने डाउनलोड की है वो, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना लॉगिन पेज खोलेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आईडी आपकी है आपको यहाँ से देखना है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन आईडी को देखकर आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपको उसका ऑब्जेक्शन लेना है। इस प्रकार आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका आंसर राइट है और वहाँ पर मिस्टेक है। अब मैं आपको सेकंड भी बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 राइट है और यहाँ पे जो है इनका आंसर 3 है, यानी ये क्वेश्चन भी इनका रॉन्ग हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों, आप अपने नंबर्स के काउंट कर सकते हैं कितने आपके राइट हो रहे हैं। आप एक पुस्तक लीजिए 1 से लेके 100 तक, जो भी कितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका राइट हो, जैसे 1 राइट हुआ तो आप उसके आगे 1 कीजिए, 2 अगर गलत हो 2 कीजिए, फिर 3 के आगे राइट कीजिए, जो भी आपका है। इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं राइट वाले क्वेश्चन और फिर रॉन्ग वाले क्वेश्चन। तो राइट वाले क्वेश्चन के आप अपने मार्क्स काउंट कर लीजिए और जो रॉन्ग हुए उनके मार्क्स निगेटिव कर लीजिए। उसके बाद जो आपका एक्यूरेट आता है वही आपका टोटल जो है मार्क्स मिलेगा आपको इस CHSL आंसर की में। इसी प्रकार दोस्तों, हम आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर 4 पर 5 पर। देखिए यहाँ पे आपको जो भी है आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको मैथ दिखा दिया, देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे जीके का क्वेश्चन करा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे सेक्शन 9 आ गया। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में UEFA चैंपियंस फुटबॉल जीती है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है लिवरपूल ने, और इनका आंसर जो है नंबर 2 है, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये क्वेश्चन भी इनका रॉन्ग हो चुका है दोस्तों। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है दुर्गापुर में, रायपुर में, रांची या कन्याकुमारी। इनका आंसर है रायपुर। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आंसर है 1। तो ये क्वेश्चन भी इनका रॉन्ग हो गया। इस प्रकार दोस्तों, आप क्वेश्चन अपना राइट रॉन्ग चूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने नृत्य से संबंधित विषय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलासन नामक संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर देखिए पंडित बिरजू महाराज ने, और इनका आंसर जो देखिए 1 है। इस प्रकार ये आंसर इनका राइट होता है। तो आप दोस्तों इस प्रकार जो है अपना चेक कर सकते हैं CHSL के आंसर की। इस प्रकार अगर मैं आपको 100 बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप अपना लॉगिन आईडी, यानी कि जो आपका यूज़र आईडी रोल नंबर है, आप उसको एंटर कीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार जो आप लॉगिन कर लेंगे और वहाँ पे आपको बस एक दो ही ऑप्शन से, एक ऑब्जेक्शन करना है और एक आंसर की। तो जब आंसर की पे क्लिक करेंगे तो अपना आंसर मिला सकते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन करें तो ऑब्जेक्शन पर क्लिक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आईडी मैंने आपको बताया है इस तरह का देख के आप अपना अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही ये जानकारी अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।